बहुत बुरा फंस गए यार आज बारिश में। बैंड स्टैंड के अंदर चलते हैं, एक सेफ एरिया यही है। बारिश की वजह से फंस तो नहीं जाएंगे, ऐसा कोई मेजर लैंडस्लाइड। हे गाइस, क्या हाल है, सुबह के आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो गाइस। 4-5 दिन का जो हैवी क्राउड हुआ है शहर में, अब जाकर फाइनली थोड़ी बहुत शांति शहर में है। फाइनली आई कैन फील द कामनेस नाउ। सो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन, चलिए घूमते और देखते हैं शहर का हाल। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ट्यूसडे है और आज के अगर हम टेम्परेचर की बात करें, दिन में करीब 18 डिग्री और शाम को जो जा रहा है वो जा रहा है 14 या 15 डिग्री के आसपास। वैसे ठंडा आज नहीं है, कल हो गया था जो रात को अचानक बारिश पड़ गई थी। अभी इस वक्त तो ठंडा नहीं हो रहा है, शाम की शाम को देखे जाएगी। बाकी क्या है, आने वाले दिनों में भाई बारिश दिखा रहा है, पूरा हफ्ता बारिश ही है अभी। ऐसा है, अगर आप इस शनिवार इतवार में आने का प्लान कर रहे हो या वीकेंड पे आ रहे हो तो शायद आपको बारिश मिल सकती है, संभावनाएं हैं। बारिश की पक्की पक्की वाली बात नहीं है, चीज़ें सारी ओपन है, यहाँ पर कुछ क्लोज नहीं है। लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि यार बारिश की वजह से कुछ चीज़ें कहीं क्लोज तो नहीं है या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो क्लोज तो नहीं है। हाँ, एक पॉइंट है जो टिफिन टॉप ट्रैक है वो क्लोज है गाइस, क्योंकि बीच में जब वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था उसकी वजह से क्लोज कर दिया है। सिर्फ टिफिन टॉप ट्रैक को छोड़कर और सारी चीज़ें जो हैं वो ओपन हैं, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझसे ये भी पूछ रहे थे यार बारिश की वजह से हम फंस तो नहीं जाएंगे, यार कुछ नहीं हो रहा है। बार बार ना लोग मुझसे रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार हम आ रहे हैं बारिश की वजह से फंस तो नहीं जाएंगे, ऐसा कोई मेजर लैंडस्लाइड या रोड टूट टूट नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है गाइस, आप आराम से आ सकते हो बारिश में भी। इस बार वैसे ही जो मानसून बताया गया था ना, यहाँ बहुत ही हल्का बताया गया था कि बहुत कमज़ोर रहने वाला है मानसून, और एग्जैक्ट वैसा ही रहा है। तो मैं DSA फ्लैट्स ग्राउंड के पास पहुंच चुका हूँ, सामने ही मैच चल रहा है, थोड़ी देर मैच का भी आनंद लेते हैं बैठकर। प्लान में आया थोड़ा सा परिवर्तन, लेक साइड चलते हैं उसके बाद मैच देखने चलेंगे। ये क्या बिन मौसम बरसात दोबारा से शुरू हो गई क्या यार, कल भी मैं बारिश में फंस गया था, अब दोबारा से बौछारें पड़ने लगी हैं, कहीं ये तेज ना हो जाए यार कल की तरह। भाई मैं 1 घंटा फंसा हूँ मॉल रोड में बारिश के वजह से, अचानक से ही बारिश पड़ गई थी, अब ये बूंदे फिर पड़ने लग गई हैं। तो भाई सभी लोग परेशान हो गए इस अचानक आई हुई बारिश से, तो जितनी भी दुकानें हैं लोगों ने तरपाले तो लेके रख रखी हैं, तो सभी ढक रहे हैं। ये है यार नैनीताल का मौसम आजकल, यार पल्ले ही नहीं पड़ रहा, कभी भी बारिश हो जा रही है। अबे मतलब क्या यार, मौसम तो साफ है, ये अचानक बारिश क्यों पड़ने लग गई। और आजकल हर बार मेरे साथ यही हो रहा है यार, जब निकलो तब बारिश में फंस जाओ। छाता लाया हूँ नहीं घर से, जब निकला था तो बढ़िया मौसम था एकदम यार, अब देखो यार बारिश पड़ने लग गई है। तो ऐसा करते हैं सामने ही जो बैंड स्टैंड है उधर को ही चला जाए, क्योंकि वही सेफ साइड है यार, वहीं शरण लेते हैं थोड़ी देर। लोग जितने भी अपनी दुकानों को मतलब ढक रहे हैं तरपालों से। हमारे शहर का मौसम ऐसा है, लोग मुझसे पूछते हैं आने वाले 10 दिन कैसे रहेंगे, या पूछते हैं जैसे हम 29 को आ रहे हैं उस दिन बारिश होगी या नहीं होगी, यहाँ घंटों का पता नहीं लगता है गाइस। आप उनसे पूछते हो 10 दिन बाद का मौसम कैसा होगा यार, तो अनप्रेडिक्टेबल मौसम है यहाँ का। बैंड स्टैंड के अंदर चलते हैं, एक सेफ एरिया यही है तेज बारिश में बचने के लिए, या तेज बारिश से बचने के लिए। डॉग्स भी इधर उधर बैठे हैं, ये देखो कालू, इसका नाम कालू होगा। अच्छा, डॉग्स का नाम भी कितना गजब होता है ना, उनके रूप रंग से देखकर उनका नाम रख दिया जाता है, इसका नाम कालू हो सकता है। और ये जो ऐसा है ब्राउन कलर का, इसका नाम ब्रूनो, सफ़ेद होता है तो उसका नाम मोती रख देते हैं। आई थिंक ये बारिश अभी रुक जाएगी, हल्की हल्की बौछारें हो रही हैं, ऐसी बौछारों से हम नैनीताल वाले नहीं डरते हैं यार, तो मतलब मैं नहीं डरता हूँ। तेज़ होती तो फिर मैं भी अंदर ही घुस जाता हूँ बैंड स्टैंड के। मैं तो खैर बाहर आ गया हूँ, बढ़िया नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, पीछे ही नैनीताल लेक रही, आज बादल सामने लगे हुए हैं गाइस, बारिश तेज होने लगी है। आई थिंक चुपचाप चल देना चाहिए, हीरोगिरी में कुछ फायदा है नहीं, तो बैंड स्टैंड के अंदर ही चलते हैं और भीगने से बचा जाए। बारिश ना और ज्यादा तेज हो गई है, ये कल ही की तरह एपिसोड हो गया, जिस तरीके से मैं 1 घंटा फंस गया था ना, मुझे लग रहा है कहीं मैं यहाँ भी फंसा ही ना रह जाऊँ। मौसम पूरा ही हो गया है तैयार बारिश का, ऊपर देखो ना कहीं से भी लग नहीं रहा कि मौसम खुलेगा, अब फिर खड़े ही रहो जहाँ पर खड़े हैं। जितने भी पर्यटक हैं वो तो ज़्यादा हैरान हो रहे हैं इन मछलियों को देख कर, आधे लोग खिला रहे हैं ना मछलियों को, सामने देखो उधर कहीं वो कुछ ब्रेड रेड खिला रहे थे। तो बैंड स्टैंड के अंदर देखो भाई क्या हाल हो रहा है, ऐसा यहाँ देखो मछलियों को खिलाने की तैयारी चल रही है ब्रेड, तो वो नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, ये खिलाएंगे देखो ब्रेड।
सो गाइज मैं तो अब किसी को कहूँगा नहीं, वैसे ये खिलाना मना है इनको, बट जितने भी पर्यटक आते हैं खिलाते हैं, किसी को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हो जाएगी लड़ाई। सो बेस्ट ये है भाई, कुछ मत कहो यार, ये इनका काम है, वो खुद करेंगे। देखा जाए ना, मैंने डिसीजन तो सही लिया, अगर मैं मैच देखने चला जाता तो शायद वहाँ भीग जाता गड़े गड़े। तो बैंड स्टैंड के अंदर एटलीस्ट बारिश से तो बचे हुए हैं, अब ये कितनी देर पड़ेगी ये कुछ नहीं पता। फिलहाल अभी 10 मिनट हो चुके हैं बारिश को पड़ते हुए, अब आगे देखना पड़ेगा ये और कितना देर रहेगी बारिश। बहुत बुरा फंस गए यार आज बारिश में, क्या यार ये तो और ज़्यादा तेज़ हो गई, अभी हल्की हो रही थी और फिर तेज़ हो गई। इधर ये देखो, ये तो भाई बारिश में मस्त भीगते भा रहे, इन्हें मज़ा आ रहे होंगे। चलो इन्होंने एक चीज़ अच्छी करी है, छोटे बच्चे जो इनके साथ हैं उनको रेनकोट पहना रखा है, खुद चाहे बारिश में भीग रहे हैं, ये ठीक है यार, नहीं तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं यार ऐसी बारिश में। बड़े लोग भी बीमार पड़ जाएंगे यार, मैं खुद बीमार पड़ जाता हूँ बारिश में अगर ऐसी हो तो। आजकल ना किस्मत अपनी खराब ही चल रही है, जब भी घर से निकल रहे हैं ना बारिश पड़ जा रही है। अब खैर थोड़ी देर बाद एक घंटा हो जाएगा, जिस तरीके से कल एक घंटा पूरा फंसाना बारिश में, आज भी एग्जैक्ट ऐसा ही लग रहा है, पूरा एक घंटा ये बैंड स्टैंड पे होने वाला है और बारिश अभी तक कम नहीं हुई है, उल्टा ज़्यादा तेज़ होते जा रही है ये। मुझे एक घंटे से ज़्यादा हो गया लेकिन बारिश नहीं रुकी है, मैं भीगता हुआ ही जा रहा हूँ यार, क्या करूँ, एक घंटा यार मैं बैंड स्टैंड पे खड़ा हो गया आज और फ्रस्ट्रेट हो गया खड़े खड़े। अब ऐसा करते हैं इसी बारिश में भीगते हुए अब निकलते हैं और देखना जब मैं घर पहुँच जाऊँगा ना तब ये बारिश रुक जाएगी। बारिश की वजह से ना थोड़ा सा ठंडा हो गया है, थोड़ा सा लिटिल बिट टाइप, और जब अंधेरा हो जाएगा तो थोड़ा ठंडा और ज़्यादा हो जाएगा। चलो अब बारिश हो ही रही है, अब भीगते हुए ही निकलेंगे, बाकी मुझे भी मार्केट जाना है, कुछ सामान लेते हैं फिर घर जाएंगे। करीब 6 बज चुका है, बाजार में तो भाई सन्नाटा ही हो रहा है, नैनीताल में आजकल क्राउड कम है, अब ये है ना ऐसा ही रहने वाला है, शायद शनिवार इतवार में थोड़ा भीड़ हो, उसके अलावा तो नॉर्मल टाइप ही देखने को मिलेगा अब सितंबर तक, सितंबर 8 से पहले, क्योंकि सितंबर यहाँ पर मेला लगने वाला है मानंदा देवी का, 8 सितंबर से लेकर 15 तारीख तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, उस बीच आ रहे होंगे तो ज़रूर ध्यान रखना गाइस, भीड़ मिलेगी। और ख़ासकर जो मेला देखने आ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स होने वाली है 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सितंबर में, सो हम लोग तो वेट कर रहे हैं। चलो भाई भीगते हुए चल रहा हूँ, आधा भीग चुका हूँ, अब ऐसे ही निकलते हैं घर को, सामान ले लिया, बारिश में चंबू हो गया हूँ भीग कर यार। जल्दी जल्दी घर को निकलते हैं, भीग गया भाई पूरा बारिश में यार, बारिश नहीं रुकी है, करीब 7 बज गया है, बिल्कुल भी बारिश नहीं रुकी, उल्टा पड़े जा रही है यार। एक घंटा मैं बैंड स्टैंड पे रुका, उसके बाद घर आते आते भाई भीग ही गया हूँ अब तो यार, आज मौसम ने क्या गौचा टाइप दिया है ना यार, बाबरे बादल भी गरज रहे हैं यार, लाइटनिंग थंडर दोनों ही हो रहा है। तो ठीक हो गया गाइस यार, दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना जरूर। सो मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए तेरा शुभ।